हमारा सफ़रनामा एक दिन पहले से नहीं 2 महीने पहले शुरू हो चुका था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से जाना नहीं हुआ। तो पहले रिवर्स करके वो देखते हैं। मैं जाना था अब्दुल्ला पीर, लेकिन सीन यह है कि रास्ता आता है नूरानी से, और नूरानी का जो सीन है वहाँ पे इतना रश कि आर्मी अब जाने ही नहीं दे रही। तो कह रहे हैं यहीं बैठो, जाओगे नहीं आप। कुछ चीज़ें हैं जो हम शहर से नहीं लेते, हम चौकी आके लेते हैं। अगर आप भी रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं कहता चलूं कि रुक जाएं, आगे का सफ़र और आसान हो जाएगा आपके लिए। पिछली बार वक्त और किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और हम इससे आगे जा नहीं पाए, लेकिन इस बार वक्त, मौसम, हालात सब बेहतरीन चल रहे हैं, तो चलते हैं आगे। इससे आगे अब्दुल्ला पीर 7 घंटे दूर है और हमें 5 घंटे बाद लंच के लिए रुकना है। बाली गुरा मारा बेशारे बालकने दी रमदारे ब्याता परदेसिया प्यारे ब्याता परदेसिया प्यारे। 5 घंटे मुस्तकिल सफर के बाद हम फाइनली यहाँ पहुंच गए लंच करने के लिए, लेकिन गर्मी ने हमारा सत्यानाश कर दिया। तो आप जब आएंगे तो गर्मी से बचने के लिए चीज़ें ले लेना अपने साथ, वरना बहुत ही रो जाएंगे आप रास्ते में, इतनी गर्मी है। तो इससे आगे का सफ़र 3 घंटे का है, उसमें से 1.5 घंटा मेरे ख्याल में ऑफ रोडिंग है। तो आगे का सफ़र एंजॉय करते हैं। गारा इश्क जता गाता मारा चंदन महल बुआ थारी मिस्की दीगा सिंगारा।
ते चिता कुंडस बारा इश्के जता गुआ तमारा चंदन महल बुआ थारी इसकी बीगा सिंगारी कमो मातल वेला माँ कमो मातल वेला माँ अरसांत्रों गल खेला मन दोस्ता अंधेरा होने से 30 मिनट पहले हम पहुंचे लेकिन अब फ्रेश होना ज़रूरी है भले अंधेरा होने वाला है क्यों क्योंकि हम सुबह तक का इंतज़ार कर नहीं सकते और इसके बाद डिनर तैयार करना है तो उसके लिए फ़्रेश होना ज़रूरी है और कहता चलूँ डिनर में ग्रिल फिश है कढ़ाई है कबाब है रायता है मुँह में पानी आ रहा है भाई अभी से तो आप देखें अभी आगे क्या क्या होने वाला है और सुबह का माहौल भी डायरेक्ट इन्जॉय करना ये था हमारा ट्रिप और ये है यहाँ की आखिरी झलकियाँ बहुत मज़ा आया यार एक्सपीरियंस करें बहुत ही प्यारी जगह है तो ये था मेरा एक छोटा सा सफ़रनामा वक्त किस्मत और लोगों ने साथ दिया तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करेंगे दुआओं में याद रखिएगा वशे